व्हाइट चॉकलेट एंड वाइल्ड बेरीज केक बनाने के लिए में चाहिए 600 ग्राम सफेद चॉकलेट, 1 किलो डबल क्रीम, 50 ग्राम जेलेटिन, 1 किलो 200 ग्राम फिटी हुई क्रीम, 10 ग्राम फ्रोजन बेरीज, 350 ग्राम ग्लेज और एक वेनिला स्पॉन्ज केक। टू स्टार्ट विद द केक, व्हाइट चॉकलेट को हम डबल बॉलर में मेल्ट करेंगे जी, एंड वी नीड टू कुक द बेरीज। तो जब तक चॉकलेट मेल्ट होती है हम ये बेरीज को कुक करेंगे। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर मिक्स्ड बेरीज, सो वी कैन यूज व्हिचएवर बेरीज आर अवेलेबल। या सम शुगर टू गो अलोंग विद इट बिकॉज़ बेरीज बहुत सार होते हैं, वी नीड टू ऐड लिटिल शुगर। ओके, तो शुगर के साथ हम इसे थोड़ा पकाएंगे। यस, एंड वी कैन यूज नॉर्मल शुगर या जैसे आपने ब्रेकफास्ट शुगर डाली है वही डालें? नहीं, यू कैन यूज नॉर्मल शुगर बिकॉज़ व्हेन यू कुक इट वो शुगर मेल्ट हो ही जाएगी। राइट, सो लेट दिस बॉइल, हम तब तक इसका रिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, आपको ये बिना बेस के विद बेस भी मिल जाएगा, आप उसमें बना सकते हैं। वाला एल्युमिनियम का आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, व्हिच एवर शेप यू वांट यू कैन पिक वन एंड यू कैन यूज इट। दिस इज द जेलेटिन, वी नीड टू ऐड इट इन द बेरीज फॉर सेटिंग इन। ओके, सो वी सोक इट विद लिटिल वाटर। ओके, तो जेलेटिन जो है जेलेटिन पाउडर में थोड़ा पानी डाला जा रहा है ताकि उसे थोड़ी देर सोक कर सके। आई हैव गॉट अ डन डिस्क ऑफ द बेरीज, फ्रोजन बेरीज। So I'll just show it to you and then we can start making the cake. Okay. Okay, the gelatin is melted. Yeah, and then we add it in the berries. Mm-hmm. This is done. We just need to pour it in. Okay. So you got these nice berries with little texture in it. And then we need to put it in the deep freezer. And when you put it... आपके पास ये set किया हुआ पड़ा है? तो चलिए उससे आगे शुरुआत करते हैं, let's keep it away. The jelly is all set. Okay, the next step that we need to do is for the mousse. Okay. We need to boil the cream. Okay. Koi particular cream hai jo aap is? It's a double cream because it has fat content and it will give the richness. Mm-hmm. For the mousse also we need the jelly. So okay. Again the same thing. Soak it in. Ye cream boil ho gayi hai, so we just need to add it in. Mm-hmm. To just mix both the cream and chocolate together. Mm-hmm. And to just bring down the temperature very quickly, we've kept half the cream not boiled. So you okay. Just add it in that and then the temperature comes down. Should I? Yeah. Just pour it in and mix it. For that, we need a cake ring again. This is done, but we just need to add the whipped cream to make it light. Mm-hmm. If you could just do it. Trick of the cake is we do it upside down. Okay. Okay. So we just pour half of this mousse mix in the ring, leave it in the fridge for a minute. Uske baad, then we put the berry ka disc that we have, which comes in the middle. And then we pour the rest of the mousse cake and then top it on the base with the vanilla cake. Okay, तो इसकी हम दो layers basically डालेंगे. पहली layer डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम ये जो jelly तैयार है वो रखेंगे and फिर हम उसके बाद दोबारा से ऊपर से जो ये mixture है फिर से डालेंगे. That's it? Yeah. Just shake it and it levels down. And then we just slip in this jelly disc. Okay, ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गई है. अब इसके बाद ऊपर से डालें या इसको भी फ्रीज करेंगे? नहीं नहीं, we can just put it in. अच्छा. And the jelly is cold, तो उसका temperature तभी वो it'll just leave it in so that it sets faster. Mm-hmm. और अब इसको हम फ्रीज करेंगे. Yes. कितनी देर? 1 hour, 2 hour? You need to leave it at least 2-3 hours in the freezer so that it freezes very well. Yeah. So that it helps us in finishing the cake well also. Okay. The last thing is the स्पंज केक. ओके, ऊपर से स्पंज केक डाल दिया और अब जब ये सेट हो जाएगा तो इसको हम उल्टा करके निकालेंगे. यस, सो दैट्स एक्चुअली द ट्रिक. चलिए इसको फ्रीजर में रख दें और आपके पास ये रेडी पड़ा है तो आगे देखते हैं इसके बाद कि उसको कैसे गार्निश करते हैं. ओके, तो ये फ्रीज हुआ केक तैयार है. अब इसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे ताकि हम इसको फिनिश करें. Placed on the stand. To finish the cake, हम
वील टेक द सेम बेरीज जो हमने डाले हैं अंदर, जो थोड़े से हम बचा के हमें बचा के रखने हैं, सुधार हम इसको गार्निश कर सकें. हाँ, एंड दिस इज अ ग्लेस. और इसके बाद जस्ट एड अ लिटिल वाटर सो दैट इट, सो व्हेन यू मिक्स इट विद द बेरीज यू गेट द लिटिल रेड कलर इन द ग्लेस. जस्ट पोर इट ऑन द टॉप. केक विद स्पंज बॉटम. तो ट्राई कीजिए आप ये केक. आप इसमें अलग अलग तरह की वेरिएशंस भी ला सकते हैं, अलग अलग शेप्स ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग बेरीज ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग तरह की टॉपिंग्स भी ट्राई कर सकते हैं. तो आप ट्राई कीजिए वाइट चॉकलेट मूस और वाइल्ड बेरी केक, और अपने घर आए मेहमानों का मुँह मीठा कीजिए. और अगर आपसे कोई भी स्टेप मिस हो गया हो तो नोट कीजिए इसका झटपट सा रिकैप. व्हाइट चॉकलेट एंड वाइल्ड बेरीज केक बनाने के लिए एक बर्तन में फ्रोजन बेरीज को पका लें, इसमें जेलेटिन मिलाएं और एक डिस्क में डालें. इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें. सफेद चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघला लें, इसमें जेलेटिन मिलाएं. ठंडा होने पर इसमें फिटी हुई क्रीम मिलाएं. केक बनाने के लिए सांचे में चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर डालें और बीच में फ्रोजन बेरीज की सेट हुई डिस्क रखें. ऊपर से बाकी बचा चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर डालें. इसके ऊपर स्पॉन्ज केक रखें और फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें. तैयार केक को उल्टा करके सांचे से निकाल लें, ग्लेज और बेरीज मिलाकर केक के ऊपर लगाएं और सर्व करें.